गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल द बेस्ट साइंस एंड वेलकम बैक टू अनदर हॉल वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मेरे लास्ट हॉल वीडियो को इतना प्यार दिया, तो हियर इज अनदर हॉल वीडियो। सो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल से जान ही लिया है कि इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर विथ यू फर्स्ट क्राई बेबी शॉपिंग हॉल, क्योंकि अभी सब लोगों के लिए कॉन्टेंट होना मांगता और थोड़ी सी मेरी वॉइस ख़राब है, बट मैं क्या करूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ बट सही नहीं हो रही है, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। सो आपका लोगों का बहुत टाइम ना लेते हुए हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट इन टू द वीडियो। तो ये रहे हमारे कुछ पैकेट्स, वैसे इनके अंदर सिंगल सिंगल करके काफ़ी सारे पैकेट्स हैं क्योंकि वो अलग अलग रिसीव होते हैं, तो मैंने एक के अंदर एक काफ़ी सारे डाल लिए हैं। तो ये आपको 4 पैकेट्स दिख रहे हैं, बट इसमें देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ क्लोथ्स, तो सोना की खूब सारी शॉपिंग हो गई है। चलो आज आप लोगों को भी दिखा देते हैं क्या क्या है। वैसे तो मैंने अनबॉक्स करके देख लिया है क्योंकि मुझे साइज़ वगैरह देखना पड़ता है कैसे क्या है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगी, यहाँ पर जो भी सारे ब्रांड्स रहेंगे मोस्टली बेबी हग रहेगा, बिकॉज आई लव बेबी हग। तो जिनके प्रिंट्स, फैब्रिक, मतलब लाइक कलर सब कुछ इतना प्यारा लगता है, तो मुझे बेबी हग के अलावा कुछ खास नज़र ही नहीं आता। अगर कुछ होगा, ऐसा नहीं कि मैं बेबी हग के अलावा कुछ और देती नहीं हूँ, लेती हूँ बट मोस्ट ऑफ द टाइम बेबी हग ही लेती हूँ। तो अगर कुछ अलग होगा तो मैं आप लोगों के साथ मतलब मैं बता दूंगी, बट मोस्टली बेबी हग ही रहेगा। और साइज़ में बता दूँ, अभी सोना 3 ईयर्स का अगस्त में कम्प्लीट हुआ था, 30 अगस्त को, तो मैंने 3 से 4 ईयर के साइज लिए हैं इसमें। चलो तो हमारा फर्स्ट है ये वाला सेट, थोड़ा सा ऐसे कर दो, हाँ अभी आप लोगों को नजर आएगा अच्छे से। तो ये है इसकी टी शर्ट, ये है बैक से ऐसा कुछ दिखता है, पूरे बड़ा ही कलरफुल प्रिंट है। ये है इसकी पैंट, तो ये मैंने कॉम्बो में लिया है सेट, ये देख लो आप, बेबी हग है, 3 to 4 साइज है। और प्राइसिंग वगैरह भी मैं आप लोगों को नहीं यू नो स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, बिकॉज अभी मुझे याद नहीं है, टैग में तो इनके 699 पड़ी है, बट जो मुझे एग्जैक्ट प्राइसिंग मिली होगी ना वो मैं स्क्रीन पे यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग देख लेना। बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, बहुत ही अच्छे मुझे कलर्स लगे, क्योंकि बच्चों पर ना कलरफुल कपड़े मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और मुझे ग्रीन कलर, येलो कलर ये थोड़े बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। सो यू विल सी देर आर लॉट्स ऑफ ग्रीन एंड येलो कलर के क्लोथ्स। सेकेंड वन इज दिस वन, ओ माई गॉड, ये मुझे इतनी सुंदर लग रही थी। सोना के पास एक और ग्रीन कलर की टी शर्ट है, मैं मतलब बहुत सारी हैं वैसे, एक क्या जो अभी भी वो पहन रहा है, इसमें फुटबॉल बनी हुई है एंड देर इज नॉट प्रिंट, ये एक पैच है, समझ रहे हो, तो ये भी ऐसे धागे से लिखा हुआ है, तो ये कोई पेंट नहीं है जो कि क्रैक हो जाएगा या निकलने लग जाएगा, ये एक पैच है, ठीक है। तो ये पैच आप वॉशिंग मशीन में धुलो चाहे जहाँ धुलो, तो ख़राब नहीं होने वाला। और इसके साथ ये ब्लू कलर का कॉम्बो का एक ये पैंट है, मैं कोशिश करती हूँ कुछ कॉम्बो के ले लूँ, तो हमारा ये वाला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है कि अभी इसके साथ क्या पहनाऊँ, अभी इसके साथ क्या पहनाऊँ, वो वाला प्रॉब्लम पैंट का भी। और सारे फैब्रिक 100% कॉटन है, मतलब आपको सोचना ही नहीं है कि क्वालिटी कैसी होगी, कंफर्टेबल होगा या नहीं होगा, सोचना ही नहीं है, आंखें बंद करो और शॉप कर लो, बस ऐसा है मेरे साथ, इतना ट्रस्ट हो गया मुझे फर्स्ट ट्राई पर। सेकंड वन इज दिस वन, भी देखते हैं इसके अंदर क्या है। कुछ मैंने कॉम्बो वाले भी लिए हैं, कुछ मैंने सिंगल टी शर्ट्स भी ली हैं क्योंकि मुझे वो इतनी अच्छी लगी थी, और येलो कलर की टी शर्ट। ये है हमारा थर्ड सेट, इसमें बना है एक फ्रॉग, ओ वाओ कितना प्यारा लग रहा है ये, ऐसे ऊपर येलो है, ग्रीन है, बैक से आपको सारी प्लेन मिलेंगी, और ऐसे ये बटन्स दी हुई हैं इन केस अगर आपके बेबी का हेड थोड़ा बड़ा है या कुछ, वैसे तो इसमें बहुत इलास्टिसिटी होती है, मतलब आराम से देखो रहो बिना खोले चली जाती है, बट स्टिल अगर आपको लग रहा है बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, 3 साल के बच्चे ऑलमोस्ट कंफर्टेबल हो जाते हैं, बट स्टिल अगर आपको लग रहा है तो आप बटन्स वगैरह भी खोल के पहना सकते हो ईजिली, ठीक है। ये है इसकी शर्ट और ये है इसका पैंट, इतना सॉफ्ट मटेरियल है ना, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, मैं आप क्या बताऊँ आप लोगों को। और ये है इसकी ग्रे कलर की पैंट, इसके हेम पे ये है ऐसे येलो कलर दिया हुआ है, और क्योंकि फ्रॉक बना है हमारी टी शर्ट पे, तो यहाँ पर भी एक फ्रॉक दिया हुआ है। ग्रे कलर के पैंट्स मुझे इतने पसंद आते हैं, लाइक हम इनके साथ में आराम से मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, इसमें येलो कलर का फ्रॉक बना तो क्या हुआ, कई सारी येलो टी शर्ट होती है जिनके साथ में ग्रे कलर के पैंट्स ईजिली चले जाते हैं, तो ग्रे हो गया, ब्लू हो गया, ये सारे पैंट्स ऐसे होते हैं जो आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो। तो थोड़ा सा अब हम मदर हैं तो हमें ये सब ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मिक्स एंड मैच नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो थर्ड वन हमारा ये है, ये जितने मैं दिखा रही हूँ अभी आपको, ये सारे बेबी हग के 100% कॉटन वाले फैब्रिक है, ठीक है। 3 to 4 ईयर का साइज है हमारा इसमें। ओके, नेक्स्ट पैकेट हमारा,
और ये बड़े अच्छे से ये यू नो हैंगर वगैरह करके देते हैं। अगर हमें कहीं ले जाना होता तो मैं पैकिंग भी इन्हीं में करती हूँ, ऐसे दिखाती हूँ। हाँ, तो मैं इन्हीं में पैकिंग करती हूँ ताकि हम कहीं बाहर जाते हैं तो आराम से इनको हैंग कर सकते हैं, या बाद में भी मैं इन कैरी बैग्स को आराम से यूज़ कर सकती हूँ। और मैं करती हूँ ट्रैवलिंग में, मैं मोस्टली करती हूँ इनके सारे ये पैकेट्स। और यहाँ पर भी आराम से लिखा रहता है, अगर आप स्टोर पे जाओगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा ये। ओके, यहाँ पर मैंने ये सिर्फ शर्ट ली है, शर्ट भी सारी ऐसे 300 के आसपास का, 330 के आसपास की शायद मुझे आसपास की शर्ट होंगी। ये देखो ये है, इसमें लिखा है जंगल एक्सप्लोरर। ओ गॉड, इतनी प्यारी लग रही थी ना मैंने जब ये टी शर्ट देखी, मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी मतलब मैंने इसे फटाफट से टू कार्ट कर लिया। रुको मैं दिखाती हूँ, हाँ अभी देखो आप लोग ऐसे करते हैं तो ये पूरे ऐसा बेस वाइट कलर का है इसमें, और पूरा ऐसे कलरफुल ऐसे इसमें लीव्स बनी हुई हैं, बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। उसके बाद अगेन एक और शर्ट है, क्योंकि मुझे शर्ट भी लेनी थी, मैंने कहा मुझे अगर ओ टी शर्ट मुझे कहा अगर अच्छी टी शर्ट मिल जाएंगी। ओ येलो कलर की, मेरे पास इतने येलो कलर के कपड़े हैं और सोना के पास भी हैं, क्योंकि मुझे पसंद है येलो कलर बहुत ज़्यादा। और इसमें लिखा है हैप्पी, इसमें पाइनएप्पल बना है। अब देखो मतलब कितना कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये कलर, ये प्रिंट कितना सुंदर है यार, मुझे लगता है अगर मेरे साइज का होता तो मैं ही पहन लेती इसको। और इसमें लिखा है हैप्पी। अब इसमें दो तीन कलर के प्रिंट्स है, लाइक येलो है, ग्रीन है, नेवी ब्लू है, तो आप इसको अपने हिसाब से मिक्स एंड मैच कर सकते हो। इसका भी फैब्रिक बहुत बहुत अच्छा है, और ये जो पेंट रहता है ये वैसा वाला पेंट नहीं, जो रबर वाला पेंट होता है जो फट जाता है, ये वैसा वाला पेंट नहीं है, तो ये बहुत ही लॉन्ग लास्ट करता है वॉशिंग मशीन में। मैं तो सारे वॉशिंग मशीन में धुलती हूँ सोना के कपड़े भी। ओके, नेक्स्ट हमारा एक और, मुझे खुद भी याद नहीं कि कॉम्बो है या शर्ट है सिर्फ, ये भी एक टी शर्ट है। रुको मैं ऐसे करके दिखाती हूँ, ये है ग्रे ब्लू और येलो कलर की टी शर्ट। ओ गॉड, कितनी प्यारी है यार, इसमें एक ऐसे ये हिप्पो बना है और नीचे ये जिराफ बना है। अब देख रहे हो इसमें भी दो तीन कलर हैं, इसमें भी आप चाहो तो मिक्स एंड मैच इजीली कर सकते हो। ग्रे कलर सबसे ऊपर है तो अगर बॉटम में आप ग्रे डालोगे तो वो सबसे परफेक्टली जाएगा। तो और ये भी जो आप देख रहे हो ना, ये पेंट नहीं है, ये पैच है। तो अभी थोड़ी सी आप स्मार्टनेस के साथ में शॉपिंग कर सकते हो, जो पेंट वाले रहते हैं कपड़े उनको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, जो पैच वाले होते हैं वो कहीं टस से मस नहीं होने वाले हैं। और ये टी शर्ट्स ऐसी होती हैं कि आप इनको स्टार्टिंग में जब ये नए हैं तो आप इन्हें बाहर पहना लो, उसके बाद आप इनको घर पे भी निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इजीली वॉश हो जाते हैं, स्टेन वगैरह निकल जाते हैं। और क्योंकि इसमें पैच रहता है तो पेंट का भी बार बार क्रैक होने का या फटने का या कुछ ऐसा डर नहीं रहता है, तो मुझे बहुत सही लगता है, क्योंकि अंदर का ये जो फैब्रिक सही होता है, अगर इसमें कुछ लगा है स्टेन तो वो भी आराम से निकल जाएगा। और इसका जो फैब्रिक है वो भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, और मुझे लगता है मैंने जितने आपको दिखाए हैं सारे बेबी हग के ही हैं। अगर आप स्टोर पे लेने जाते हो तो आपको MRP का MRP ही मिलता है, और क्योंकि इनके प्रिंट्स, इनका क्वालिटी, इनकी फैब्रिक्स, इनके सब कुछ इतना अच्छा होता है कि मुझे ये बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही सही लगता है। अच्छा, एक और मैंने टी शर्ट ली थी सोना की, वो मुझे इतनी 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 ज़्यादा अच्छी लगी थी यार, मतलब वो मेरी वन ऑफ फेवरेट्स थी, तो मैंने क्या किया उसको पहनाया एक दिन सोना को, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। रुकना, ये देखो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि सोना के पास में कॉलर वाली टी शर्ट शर्ट तो मिल जाती है कॉलर वाली, लेकिन टी शर्ट्स नहीं थी कॉलर वाली, तो मैंने एक ये टी शर्ट ली, ये मुझे इतनी इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी यार, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, देख लो कितनी कलरफुल है। और मैंने इसको इतना पहनाया और पता नहीं इसमें कहाँ से ये ऐसा एक स्टेन सा लग गया, मैंने इसको धुल करके डाला तो कुछ ऐसा ये जो तार वाला सा स्टेन होता है ना जो हम डाल देते हैं, वो स्टेन लग गया है। मैंने इसको बस एक ही बार पहनाया था और यार इसमें ये ऐसे स्टेन लग गया है, तो मुझे काफ़ी दुख भी हो रहा था यार, मुझे इतनी अच्छी लग रही थी ये टी शर्ट और इसमें स्टेन लग गया। वो तार वाला लगा है तो वो शायद निकलेगा भी नहीं, बट अगर आपको शॉपिंग करनी है, अगर आपको ये टी शर्ट लेनी है तो आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। तो ये था हमारा फर्स्ट क्राई, आई थिंक हम इसे बेबी हग भी बुला सकते हैं, क्योंकि देर इज़ अ लॉट्स ऑफ बेबी हग, सारा सब कुछ बेबी हग से ही था। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, अगर आप लोगों को भी शॉपिंग करनी है तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे, जिनके जिनके लिंक्स मुझे मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्राई पे
बहुत जल्दी से स्टॉक आउट हो जाता है, तो वो कभी वापस भी नहीं आता, कुछ आ जाता है। बट जिनका जिनका मुझे मिलेगा, मैं सबका लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। तो मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बताना आप लोगों को कैसा लगा ये सारे सोना के कपड़े। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। इससे क्या होगा कि मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मेरा नया वीडियो आया है तो आप उसे सबसे पहले देख सकते हो। ओके, अगर थोड़ा सा भी लाइक किया है ना, थोड़ा सा भी अगर ये हेल्पफुल रहा है तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।